अगर एक पार्टी के तौर पर आप चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लीडरशिप को, वही मीडिया भी करने लगे तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। आपको आकलन करके ये बताना चाहिए। सवाल का जवाब दीजिएगा तभी ना जब सवाल सुनिएगा, जो मन में पहले से बोलिएगा तो फिर आप लेक्चर दीजिएगा। सर सवाल ये है कि इस पूरे हिंदी बेल्ट में आप देखिए, यूपी हो, यहाँ पर हो, यूपी में उपचुनाव में जो आप लड़े हैं वहां पर दो तीन जगहों पर आपकी जमानत जब्त हो गई है। आपको ये आकलन करना पड़ेगा कि जनता आपको क्यों ठुकरा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, पंजाब, इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन इस हिंदी बेल्ट की बात हो रही है तो स्ट्राइक रेट क्यों ना पूछे, क्यों ना बताएं। अमित शाह गृहमंत्री अब दिख रहे हैं वहां पर पहुंचते हुए, तस्वीरें आ रही हैं अभय जी, मैं जवाब आपसे लूंगी। एक बार जरा अपने दर्शकों को बता दें, ये आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर राजधानी में, और यहाँ पर अब पहले अध्यक्ष आए और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं। दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। जो वक्त बताया गया है उसके मुताबिक लगभग 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, आजादी के लिए निकली है, इस तरह के गाने लग रहे हैं वहां पर, बज रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, मंच तैयार है, माइक्स लगे हुए हैं। कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उससे पहले जो जानकारी है अभी तक उसके मुताबिक जेपी नड्डा और अमित शाह, देश के गृहमंत्री भी वहां से बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो लंबा चौड़ा भव्य कार्यक्रम, राजनाथ सिंह भी मंच पर रहेंगे और वहां से उनका संबोधन भी होगा, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में संबोधित करेंगे। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी दफ्तर में पहुंचे। श्वेता सिंह और अशोक सिंघल हमारे दो सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभय जी से एक बार जल्दी से उस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अभय जी, देखिए आप लाख कोसिए सबको, लेकिन एक दो सवाल तो मीडिया को पूछने दीजिएगा ना कि कांग्रेस की यह हालत क्यों है, स्ट्राइक रेट से आपको इतना क्यों स्ट्राइक कर रहा है। नहीं नहीं, मेरे राजनीतिक दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे, लेकिन ये जो बात कही जा रही स्ट्राइक रेट की, तो मैं एक बात बता दूं, गठबंधन में जब ये तय होता है, आप देखिए हमने सीटिंग एमएलए 6 छोड़ दिए गठबंधन के लिए, और काफी हद तक बहुत कमजोर सीटें हमारे हिस्से में आई, लेकिन हमने सामूहिक निर्णय लिया। हम चाहते थे कि जिस प्रकार तेजस्वी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नेता अंततः वही हो, और हमने कलेक्टिवली ये एफर्ट किए। इसलिए ये मूल्यांकित करना कि तेजस्वी का निर्णय अलग हो गया, कांग्रेस पार्टी का अलग हो गया, लेफ्ट का, ये सामूहिक निर्णय था। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो चुनाव लड़ा है उसको जेडीयू से अलग होकर नहीं देख सकते। नीतीश कुमार मंच पर थे और उन्होंने सामूहिक सभाएं की, इसलिए जो गठबंधन से का दायित्व है। अभय जी, मेरा यही सवाल था ना आपसे, उसकी चर्चा उसके लोगों से हो रही है, आपकी हार की चर्चा आपसे होगी, तो आप अगर ये खुश होकर बताएंगे कि देखो इनकी भी कम हो गई, भाई पहले अपनी देख के दुखी होंगे कि उनकी कम होती देख के खुश हो जाएंगे। और दूसरा, आपने पहले ही सवाल के जवाब में ठीक रहा ओवैसी पर फोड़ दिया। सर, उत्तर प्रदेश में कल ओवैसी के उम्मीदवार थे क्या? गुजरात में ओवैसी के उम्मीदवार थे क्या? मध्य प्रदेश की 28 सीटों में ओवैसी के उम्मीदवार थे क्या? अमेठी में ओवैसी चुनाव लड़े थे क्या? और ओवैसी राहुल गांधी हार गए थे, 243 में से 14 सीटों पर वो लड़े थे। उठाकर देखिए ना, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही मोदी जी क्यों भेजते हैं ओवैसी? अरे तो 14 सीटें ही प्रभावित करेंगे ना। सुनिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, तो 10 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उसके रहते हुआ। नहीं दुबे जी, दुबे जी मुझे एक बात बताइए, दुबे जी एक सवाल जी से प्रेम इनका, देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक लड़े थे 70 पे, मुझे ये तो बता दीजिए, लड़े थे 70 पे अमेठी में, ओवैसी चुनाव लड़े थे क्या? जो आपका गढ़ था सबसे मजबूत सीट थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ ओवैसी उतरे थे क्या मैदान में? उठाकर देख लीजिए, ओवैसी जी मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अलावा लड़ते हो तो बता दीजिए मुझे। अरे छोड़िए ना ओवैसी को कोसना, मुझे ये बताइए ना कि आप 70 सीटों पर लड़े थे। अरे सर एक सेकेंड, सीटों पर लड़े 70 सीटों पर लड़े थे और आपकी सीटें आई 19 10 ये कह रहे हैं ओवैसी ने हरवा दी, फिर भी आप पिछली बार से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभय जी मान लीजिए वो 10 की 10 आपको मिल जाती है। अभय जी एक छोटा सा कोसिएगा, मोदी को कोसिएगा, बोलिए रागी जी एक सवाल पूछा जा रहा है। अभय जी एक छोटा सा सवाल है, मिथिलांचल आपका कभी जो है वो गढ़ हुआ करता था, आप मिथिलांचल से ही इसकी शुरुआत कर देते, लेकिन वहां तो आपका आपके आप वहां से भी नहीं जीत रहे हैं, और ऐसा क्यों आप मान करके चलते हैं कि मुसलमान, क्या आप में ऐसा मान लिए हैं क्या कि जो मुस्लिम वोट होता है वो सेकुलर वोट होता है और हिंदू वोट होता है वो कॉम्युनल वोट होता है?
नहीं देखिए, ये जो मुंगेर का नरसंहार करने वाले लोग ये प्रश्न खड़ा नहीं करे हिंदुओं का, हिंदुओं का अधिकार का हक आपसे छीन लिया गया है संगीत रागे जी, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम की बात अमित शाह साहब क्यों नहीं आए? क्योंकि नहीं, मैं तो सर आपसे यही प्रश्न कर रहा हूँ। अभय जी कल ओवैसी यहाँ थे, हमने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा आपके बड़े नेताओं से तीन बार कम से कम उन्होंने बात करने की कोशिश की ये बताने के लिए कि हम साथ लड़ सकते हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा था कि उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, लड़ लेते फिर साथ में लेके उनको महागठबंधन में, किसने रोका था? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, आपको लगता है वो लड़ेंगे? क्या बात करते हैं? अरे बात तो करते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी आपने बुलाया था, कार्यक्रम करते आपने बुलाया था, वो लड़ेंगे? आपने बुलाया था सर, आपने बुलाया था वो बुलाने? क्या बात करते हैं आप, वो बीजेपी ने पहले बुलाकर तय कर दिया, 2014 के बाद ही नाम सुनाया आपने इन महाशय का, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ तय करती है वहाँ वो चुनाव। ठीक है सर, आपके सर सुबह शाम दोपहर तीनों पहर कोसिए ओवैसी को, इससे कांग्रेस बेटर हो जाएगी, बेटर परिस्थिति में पहुंच जाएगी। जवाब आपका मिल गया। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर इंतजार हो रहा है। शहनवाज हुसैन साहब, बड़ी दी मनोज तिवारी, ऐसे तमाम नेता आपको दिख रहे हैं जो वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। सीधा शहनवाज हुसैन साहब के लिए, शहनवाज जी वैसे प्रवक्ता की नौकरी भी बड़ी ऐसी ही होती है, आप यहां पर हम लोगों के साथ बहस कर रहे हैं और वहां पर तमाम नेता जुटे हुए हैं। नहीं, वो बिहार का विषय है और मैं बिहार से हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो आपका कार्यक्रम लोग बहुत हल्ला बोल 6 बजे देखते हैं, तो पार्टी ने कहा कि हम लोग यहाँ रहेंगे और आप अंजना जी के साथ बहस कीजिए, और ये हमारे लिए खुशी का पल है कि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और जिस बेल्ट की बात अभय दुबे जी कर रहे हैं, वो जो किशनगंज अररिया और पूर्णिया का बेल्ट है जहाँ ओवैसी जी लड़े चुनाव, वहाँ कांग्रेस अपना आत्मचिंतन नहीं करती है ना, कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा का उपचुनाव भी हार गई थी, लेकिन किशनगंज अररिया के बेल्ट में राहुल गांधी जी गए, फिर भी आप ओवैसी साहब से 5 सीट हार गए। और आपको मैं बता दूं, बहुत जगह आप लड़ाई में भी नहीं थे, ओवैसी को दोष मत कीजिए।